तो फ्रेंड्स आज मेरे पास रिपेयर होने के लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स आया है जो कि हमारा KDM कंपनी का है। इसमें हमारा फुल्ली डेड कंडीशन दिखा रहा है, जैसे कि इसका स्विच को मैंने अगर ऑन करता हूँ तो हमारा स्पीकर चालू नहीं होता है, और यहाँ पर अगर मैंने चार्जर को भी लगाता हूँ तो हमारा जो चार्जिंग की इंडिकेटर होता है वो भी हमारा नहीं जल रहा है। तो ये हमारा फुल्ली डेड कंडीशन है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका सारे स्क्रू को मैंने पेचकस के द्वारा निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरीके से खोल लिया हूँ। यहाँ पर दो स्पीकर है, एक लिथियम आयन बैटरी है और इसका मॉड्यूल है। तो इसका मॉड्यूल को मैंने निकाल देता हूँ यहाँ से, और ये जो बैटरी का कनेक्टर होता है वायर कनेक्टर, इसको भी मॉड्यूल से मैंने अलग कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने इस बैटरी को हटा लिया हूँ, और इस बैटरी के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर दिया गया था उसको मैंने निकाल दिया हूँ ताकि इसका वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा लो वोल्टेज दिखा रहा है, शायद ये चार्जिंग की वजह से लो वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि हमारा चार्जिंग यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा बैटरी का कनेक्टर था वहाँ पर मैंने मोबाइल चार्जर को लगा लिया हूँ, और अभी मैंने इस मॉड्यूल की स्विच को ऑन करता हूँ तो ये हमारा चालू हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने पहले से जो भी डाउट कर रहा था वो सही था, यहाँ पर हमारा इस मॉड्यूल में चार्जिंग का सेक्शन खराब हो गया है, इसीलिए हमारा बैटरी में जो भी चार्ज था वो सब कुछ ख़त्म हो गया और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर चलना बंद हो गया। तो यहाँ पर हमें इस मॉड्यूल में चार्जिंग सेक्शन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैटरी सही है और इस चार्जिंग सेक्शन को मैंने सही करके आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो मैंने बैटरी का कनेक्टर लगा लिया हूँ मॉड्यूल में। तो दोस्तों अभी मैंने इसका चार्जिंग सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आता है, और ये 5 वोल्ट यहाँ पर एक SMD ट्रांजिस्टर है उसमें जाता है, वो हमारा 4.2 वोल्ट हो जाता है, उसके बाद ये डायोड में जाता है SMD डायोड में, और ये डायोड हमारा डायरेक्टली बैटरी का पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद बैटरी का नेगेटिव इस चार्जिंग जैक की नेगेटिव के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारा चार्जिंग सेक्शन हो गया। तो अभी मैंने आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या ख़राब हुआ था। ये जो छोटा सा SMD ट्रांजिस्टर है जो कि हमारा 5 वोल्ट को 4.2 वोल्ट करता है, यही हमारा यहाँ पर ख़राब हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था 5 वोल्ट की, वो हमारा डायोड के दौरान बैटरी की पॉजिटिव के पास नहीं जा पा रहा था, और हमारा बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक जम्पर वायर लिया रेड कलर की, आप लोग वीडियो में देख सकते हो, आप कोई भी कलर की ले सकते हो, लेकिन आपको एक छोटा सा वायर चाहिए। तो इस वायर को मैंने इस चार्जिंग जैक की पॉजिटिव के साथ लगा दिया हूँ, और इसका दूसरा एंड को मैंने इस डायोड की पॉजिटिव के साथ लगा दिया हूँ डायोड के साथ। तो यहाँ पर हमारा बैटरी की पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा बैटरी के पास डायरेक्ट 5 वोल्ट आएगा। तो दोस्तों आप मुझे अभी बोलोगे कि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 5 वोल्ट बैटरी में चार्ज होने के लिए आने से हमारा बैटरी ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बैटरी के साथ एक प्रोटेक्शन मॉड्यूल दिया जाता है जो कि हमारा बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा और बैटरी को सही वोल्टेज से चार्ज करवाएगा। यहाँ पर हमारा चार्जिंग इंडिकेटर जल रहा है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर भी चल रहा है। तो ये हमारा पूरी अच्छी तरीके से रिपेयर हो गया है, तो अभी मैंने इसको फिटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो ये हमारा पहले से जैसा था उसी प्रकार से मैंने इसको फिटिंग कर लिया हूँ, और इसको मैंने और एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने चार्जर को लगा दिया हूँ और हमारा LED इंडिकेटर जल रहा है, और अभी मैंने इसको ऑन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर को आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।